डिसिप्लिन की स्टोरी सुनाओ, और अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो चिल्लाओ मत, डिसिप्लिन की कहानी सुनाओ, तभी धीरे धीरे इंप्रूव करेगा बच्चा। अगर आपने उसको बोला ना, बेटा सॉरी बोलो, आंटी को सॉरी बोलो, बेटा तुम गलत कर रहे हो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, समझ नहीं आ रहा मैं कह रही हूं, सॉरी बोलो, बड़ा बेकार बदतमीज बच्चा, सॉरी बोलो, तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा सॉरी बोल दूंगा बच जाऊंगा, अच्छा सॉरी, उसको लगा ले मम्मी चुप हो गए, ठीक है आगे से मत करना, अब वो चला गया, उसको लगा देखो जल्दी बच के निकल गया मैं, सॉरी बोलो सॉरी बोलो सॉरी बोलो, कुछ नहीं होगा, सॉरी सोचो, सॉरी सोचो, डीलिंग ठीक नहीं करनी है, फीलिंग ठीक करनी है, कंटेंट ठीक नहीं करना है, इंटेंट ठीक करना है, फ्रूट्स बाद में मिलेंगे, पहले रूट्स चाहिए आपको। तो डिसिप्लिन की स्टोरी सुनाइए उसको, ताकि वो थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाए। पब्लिक में उसकी बेइज्जती कभी मत करो, आपको पब्लिक में उसकी तारीफ करो, बेइज्जती कभी करनी है या बेइज्जती मतलब थोड़ा करेक्शन भी देना है तो प्राइवेट में करो, अकेले में करो, क्योंकि कंपेयर कंप्लेन क्रिटिसाइज ये कैंसर है, रिकग्नाइज रिफॉर्म रेक्टिफाई यही उसको ग्रोथ देगा। बात समझिए कि आप उसका नेचर बदल ही नहीं सकते, आपको नेचर बिल्ड करना है, नेचर बदलना नहीं है, नेचर डेवलप करना है आपको। कभी परेशान हो तो उसको हग करो, उसको पॉजिटिव टच दो अपना, तभी बात बनेगी आपकी। उसको नए नए प्रकार के स्किल सेट सिखाओ, आजकल तो कोडिंग बचपन से बच्चों को सिखा रहे हैं, 5 साल का बच्चा भी आजकल मोबाइल ऐप बनाने की तैयारी कर रहा है, कोड अकेडमी, व्हाइट हैट जूनियर, कोड मंकी, कोड एवेंजर्स, ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जहां से आप बच्चे को कोडिंग सिखा सकते हैं। उसकी सेल्फ एस्टीम की बकेट को भरे, आप भर पाओगे इससे। एक्चुअली सेल्फ एस्टीम से याद आया, एक होता है इमोशनल कप, हर बच्चे का एक इमोशनल कप होता है, इसको ऐसे समझो, जिस बच्चे का इमोशनल कप खाली हो जाता है वो बच्चा बहुत गलत डायरेक्शन में जाता है, जिसका इमोशनल कप भरा होता है वो हाई सेल्फ एस्टीम के साथ ठीक आगे चलता है। इसके लिए आपको लव, अफेक्शन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और अटेंशन देना पड़ेगा, उसका इमोशनल कप भरा रहे। अगर आपने उसके साथ खेले, फ्रेंडशिप किया, क्वालिटी टाइम दिया और प्रेम किया, उसको प्रेज किया, अप्रिशिएट किया, उसका कप भरा रहेगा। लेकिन अगर आप उसको पब्लिक में बेइज्जती किया, क्रिटिसाइज किया, एब्यूज किया, निग्लेक्ट किया, उसका ह्यूमिलिएशन किया, उसको पनिशमेंट दिया बिना किसी रीजन के, वो अकेलापन महसूस करता है, फेलियर महसूस करता है, रिजेक्टेड महसूस करता है, उसका इमोशनल कप खाली हो जाएगा बिल्कुल, और फिर वो इमोशनल कप भरने के लिए कहीं बाहर जाएगा, किसी और के पास जाएगा, गलत दोस्तों के पास जाएगा, गलत जगह पे जाएगा, गलत वेबसाइट्स खोलेगा, वो लोगों से अपने इमोशनल कप को भरने के लिए खींचेगा तरीके, मिसबिहेव करेगा अटेंशन गेन करने के लिए, मैनिपुलेट करेगा, जेलसी हो जाएगी उसको दूसरों को देख के। आइसबर्ग देखा है आपने, आइसबर्ग को समझो आप, इससे समझ आएगी आपको बात। आइसबर्ग होता है वो बर्फ की चट्टान जो समुद्र के अंदर होती है, लेकिन 10% दिखती है, 90% पानी के नीचे होती है। आइसबर्ग में पानी के नीचे बहुत बर्फ है, वो दिखती नहीं है, दिखती 10% है खाली ऊपर ऊपर। बच्चों की जिंदगी भी ऐसी आइसबर्ग के जैसी है, अगर उनका एंगर, उनका स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रहा है, वो कोई बात छुपा रहा है, वो वायलेंट हो गया है, अग्रेसिव हो गया है, वो रो रहा है, ये खाली 10% ऊपर दिख रहा है, इसके नीचे 90% बहुत कुछ था। उसकी एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, उसका डिस्ट्रेस, उसका ट्रस्ट ना कर पाना, उसका फेलियर, उसका ग्रीफ, उसका अनश्योर होना, उसका स्ट्रेस में होना, अटैक्ड महसूस करना, उसका हर्ट महसूस करना, उसका वरिड, अलोन, लोनलीनेस फील करना, ये सब समुद्र के नीचे था। और समुद्र के ऊपर क्या है, थोड़ी सी बर्फ दिख रही है, आप उस बर्फ को लेकर ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो नीचे दिखती हुई बर्फ को लेकर कर रहे हो, जो नीचे छुपी हुई बर्फ है उसको ठीक करना है। इसलिए करेक्शन नहीं, इंस्पिरेशन।